प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक जीत के खुशी में वाराणसी की जनता बीजेपी के नाम का बना हुआ एक केक काटने जा रही है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा विकसित 80 घाट पर है। सुबह बनारस घाट इसे कहा जाता है और काशी के लोग तो अब मोदी घाट के नाम से भी इस घाट को जानने लगे हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे अति उत्साह में वाराणसी के नागरिक इस वक्त एक केक काटने जा रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी की जीत की खुशी में है। जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, जय जातिवाद खत्म हो चुका है गठबंधन का और अभी भी बीजेपी बड़े प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि गठबंधन तो जो जातिवाद का मुद्दा खत्म हो गया क्या? जातिवाद का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कई एक सीटों पे मैं देख रहा हूँ जो हमने काफ़ी इसके लिए भागदौड़ भी किया, लोगों को जागरूकता अभियान के तौर पर रातों में जाकर के उनको हमने जागरूक किया, उन्हें बताया जो जो उपलब्धियाँ हैं मोदी जी ने क्या किया, क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको हमने अपने तरीके से बताया कि आप क्या चाहते हो, आपका वोट है उसके लिए हम कोई प्रेशर नहीं दे सकते कि आप बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, किसी को भी दो, लेकिन आप उपलब्धि देख के वोट दोगे ना, क्या जातिवाद के ऊपर दोगे। तो जब भी जातिवाद को लेकर के कहीं पर भी कोई काम हुआ है तो मैं समझता हूँ वो काम सक्सेस नहीं हुआ है और लास्ट में उनको पछताना पड़ा है, जिन्होंने हमें भरोसा दिया हम बीजेपी के साथ है, हमें भी लगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, बीजेपी के साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहाँ पे हमारे जो उम्मीद थी वो उम्मीद टूटा हुआ नजर मुझे आया। तो जातिवाद जो है, मैं समझता हूँ कि जब देश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, वहाँ पे जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ये होना चाहिए कि जो भी सरकार केंद्र में उसकी उपलब्धि, उसकी फीडबैक क्या है वो हमको देखना चाहिए, उसने क्या किया हमारे लिए। अब मोदी जी जा जाके घर घर में शौचालय बनवाए, अरे दिया ना, किसको नहीं मिला शौचालय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या योजना, आवास, बिजली, आप देख रहे हैं कि ये मोदी जी के ही दिए हुए हैं जो 80 घाट में हम लोग इतना स्वच्छता, इतना बढ़िया हम लोग सब सिस्टम देख रहे हैं। तो मैं सारे देशवासियों को ये बोलना चाहता हूँ, एक मिनट, अच्छा हम एक मेरा क्वेश्चन है, बीजेपी के लिए शायद पहला सा चुनाव होगा जो राम मंदिर के बिना ही चुनाव जीत गई, राम मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 2014 में तो नहीं बना, 2019 में बनेगा? नहीं, एक नाम ही काफी है, मोदी जी का नाम ही काफी, जब तक मोदी जी है हम पूरे देशवासी को ये भरोसा है कि वो बनना ही बनना है। 2014 में नहीं बना, ये कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में है, वो चल रही है और इसके ऊपर हमारी प्रदेश सरकार, देश सरकार, सारे लोग ध्यान दे रहे हैं। अब ये कहना कि हम लोग निठल्ले घूम रहे ऐसा नहीं है, इसके लिए काम चल रहा, अंडर प्रोसेस है, अगर कोई